नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज का खास कार्यक्रम हमारी बात और मैं हूं आपके साथ मानसी। जैसे आगामी समय 2022 में MCD चुनाव को लेकर सभी लोग काफी उत्साहित हैं, जो हर पार्टी के सदस्य हैं उनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से हर्षद जैन जी, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं MCD चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताइए। मैं हर्षद जैन, वार्ड 65N सरस्वती विहार से जी, और मैं डायरेक्टर हूँ अपना वर्धमान भगवान श्री प्राइवेट लिमिटेड फर्म के अंदर में, और कुछ अपना ज्योतिषी का, वास्तु का, न्यूमरोलॉजी का, हर चीज़ का ज्ञान रखता हूँ। ये सब मैं सोशल वर्क करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ और MCD के कार्य के लिए मेरे मन में बहुत से सपने हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूं, जिन्हें मैं साकार रूप देना चाहता हूं। जैसे अपना अभी प्रथम हमारे केजरीवाल साहब ने MCD के सदस्य बनने का एक नया वो रखा है। एक तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, सदस्य बना रहे हैं। CM साहब हैं वो, जो उन्होंने जो आज दिल्ली के लिए किया है, मैं कहता हूँ आज तक शायद हमारे भारत देश के जब से हमारा संविधान बना है, संविधान के अंदर में कोई ऐसा मंत्री मतलब शायद कोई हो जिसने इतना स्कूलों में जितनी उपलब्धियां प्राप्त कराई हैं जनता को। जनता जनता क्या, हर बच्चा बच्चा प्रसन्न है। झुग्गियों में जाओ तो झुग्गियों वाले कहते हैं हम तो बस केजरीवाल जी, बस केजरीवाल जी। तो आज जो भी है, जो भी हमें मुझे जो भी प्रोत्साहन मिला है, हमारे CM साहब से मिला है, मेरे हमारे सत्येंद्र जैन जी से मिला है। सबसे बड़ा प्रोत्साहन तो मुझे अपने सत्येंद्र जैन जी से मिला है, जो मिला है। और मैं मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अपनी अपनी पार्टी के लिए कहने के लिए, हमारे CM साहब के लिए कहने के लिए, मेरे हमारे सत्येंद्र जैन जी के कहने के लिए। जो कार्य उन्होंने किया है वो अपने आप में, वो मैं देखो सूर्य को अपना प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो प्रमाण अपने आप में साक्षीभूत है। आप सब मतलब जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है कि उन्होंने क्या किया। और ऐसे ही कार्य अगर मुझे वो उम्मीदवार चुनते हैं तो ऐसे ही कार्य मैं सब करूँ और निश्चित रूप से करके दिखाऊँ और जनता कहे कि हर्षद जैन ने वाकई में कुछ किया है। एक स्वप्न मेरा और है कि मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूँ, एक मतलब कि अगर मैं ये निगम पार्षद यहाँ से बनता हूँ, मेरे मन में एक और है कि ऐसा कार्य मैं करना चाहता हूँ पूरे भारत देश के अंदर में कि ना वो कि वार्ड 65N सरस्वती विहार में एक निगम पार्षद है हर्षद जैन, और वो कार्य को देख के, मेरे उस कार्य को देख करके सभी निगम पार्षद उस कार्य को पूरे भारत देश में कर गाने, एक ऐसा स्वप्न मेरे अंदर में है। उस स्वप्न को मैं, लेकिन अपना मैं निगम पार्षद बनने के बाद ही कर सकता हूँ। और जो कार्य मेरे मन में एक था गौ माता का, वो मैंने निगम पार्षद बनने से पहले, उम्मीदवार बनने से पहले मैंने कर डाला। जो मेरे मन में एक बेचैनी थी कि बस मैंने करना है कि सत्येंद्र जैन जी मेरे को पता नहीं बनाए, मतलब शायद मेरे को ना बनाए, मैं शायद इस पात्र हूँ नहीं हूँ, तो मैंने कहा मैं कर डालता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं पड़ता, 40-50-60-70 हज़ार जो खर्च होंगे खो जाएंगे, लेकिन मैं अपने पास से करूँगा, जितना भी खर्चा करना मैं अपने पास से करके कर रहा हूँ। और मैं और अगर करना पड़ा मुझे ना, मैं नहीं भी बनता हूँ तो मैं ज़रूर अपने कोशिश ये करूँगा कि मैं अपने पास से करके दिखाऊँ बस। हर्षद जैन जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी से आप कब और कैसे जुड़े? आप विचार कहेंगे, विचार कैसे आया? हमारी पार्टी हिंसक नहीं है, अहिंसक है। और हमारे, मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ जी, तो हमारा तो एक ही, हमारा तो एक ही धर्म है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। हमारी पार्टी सब धर्मों को लेकर के चलती है, धर्म का कोई उसके अंदर में वो नहीं है, निषेध नहीं है धर्म का कि इस धर्म की कि हम इस धर्म से लेकर के उसके एंटी होकर के चले, सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं हम। जब हम कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं तो हम भारतीय हैं। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी जो कि अहिंसक है, यही मेरे विचारों को लेकर के आगे तक आज राजनीति के लिए, राजनीति में आने के लिए यही विचार मेरे राजनीति में आने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैं सब ज़्यादा 3 साल से जुड़ा हूँ जी, और मुझे ये सारा प्रोत्साहन हमारे सत्य हमारे यहाँ के विधायक हैं जो सत्येंद्र जैन जी हैं, उन्हीं से मिला है। मतलब मैंने मतलब अपने जीवन में, मैं 10 साल का था जी, मेरे मन में एक बात आती थी कि ये सारे जितने भी लीडर्स होते हैं इनको सब वोट भी देने जाते हैं और ये इनको गालियाँ भी देते हैं, तो ये इनको वोट देने जाते क्यों हैं? तो मेरे मन में बहुत बड़ी ऐसी बातें आती थी जब मैं छोटा सा था। तो अब बड़े हुए, 18-19 साल के हुए, तो हम वोट देने लगे। तो हमने कहा जी पापा, ना मैंने पापा से पूछा, पापा वोट दे दूँ किसको दूँ? पापा ने कहा बेटा ये यहाँ पे अपना
जब उस टाइम भारत अपना भारतीय जनता पार्टी थी मेन और कांग्रेस थी, पापा ने कहा कि बेटे अपना बीजेपी को दे दे, तो मैं बीजेपी को वोट लगा आता था। मैं फिर वोट लगाने वोट देने के बाद मैं आता था, मैं सोचता था इनको गालियाँ भी दे रहे हैं लोग, तो इनको क्यों दे रहे हैं। तो मैं सोचता था कि हमारे मैं जैसे हम मैं जैन परिवार से हूँ जी, तो हमारे जैन परिवार के क्यों नहीं होते कोई भी अपने हमारे मंत्री। तो आज मुझे इस चीज़ को साकार मतलब देखता हूँ कि 3 साल पहले कि हमारे जैन समाज के हमारे सत्येंद्र जैन जी मंत्री बने हैं, बहुत खुशी हुई मुझे। तो मुझे लगा कि मैं भी अपने जैन परिवार से हूँ तो शायद मैं भी कुछ ऐसा समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य कर डालूँ जो अपने आप में समाज के लिए प्रशंसनीय हो और समाज के कल्याण हो और मतलब समाज में सब कुछ जो समाज के लिए हो। तो मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ और उस कार्य से मैं जैन साहब के साथ जुड़ गया तन मन धन से, और इस चीज़ के साक्षी बहुत जैन साहब ही हैं। और मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ, सेवक हूँ उनका, और मैं पूर्ण रूप से बस इतना ही चाहूँगा कि उनका तन मन धन से उनके साथ उनके अपने पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मैं जुड़ा तो हूँ और जुड़ा रहूँ और भविष्य में भी, और ऐसा कुछ कार्य करूँ जो मेरे मन में है, और बस उन्हीं का जो प्रोत्साहन है जो भी है। और ऐसे मतलब मेरे मन में एक भाव ये भी आता था कि हमारे सत्येंद्र जैन जी जैसा कोई मंत्री, हमारे सीएम जैसा मंत्री आज तक कोई भारत देश में बना नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जी। हर्षद जैन जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप गौ माता के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखो जी, अब हर व्यक्तित्व है अपने घर के बाहर कोने में कहीं भी गौ माता के लिए रोटी डाल देता है, सब्जियां डाल देता है, कटी हुई सब्जियां डाल देता है कि भाई आएंगी खा जाएंगी, और कुछ होती है माताएं मैंने नहीं डालती हैं जी। और इसलिए नहीं डालती क्योंकि देखो सब आजकल सब ऑफिशियल भी हैं और ज़्यादातर ऑफिशियल होते हैं, सबको अपना टाइम नहीं मिलता है कि हम उस रोटी को लेकर के गौ माता के लिए देने जाएं। और कभी कई बार क्या होता है गौ माता मिलती नहीं है, तो हम क्या करते हैं सीधा उनको डस्टबिन में डाल देते हैं, उससे हमारे एमसीडी का कूड़ा बढ़ता है। और बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो कूड़ा सबसे ज़्यादा बढ़ता कहाँ से है, अपना घर के सामान से बढ़ता है। तो हमने मेरे मन में आया कि हम करें क्या कि ये गौ माता की खोर होती है, जैसे गौ माता जैसे गौशालाओं में मतलब जहाँ पे खाना खाती हैं। तो हमने एक अपने खोर के लिए, तो मैंने सोचा कि यार शायद मैं खोर बनवा दूं तो एमसीडी वाले आएंगे वो अपने राजनीति के चक्कर में वो तोड़ डालेंगे उसको। तो मैंने सोचा मैंने एक बड़े बड़े गमले ले लिए जो कि 3-3 फुट के 3.5 फुट के लंबे गमले हैं, और गमलों को मैंने रखवा दिया कि इसमें अपना कि जो भी माताएं बहनें हैं जो फल सब्जियां काटती हैं और वो सब हम उसको कभी कभी एमसीडी उसको कूड़े में डाल देते हैं। एक तो कूड़ा बढ़ता है बहुत ज़्यादा, और गौ माताएं कूड़े खत्ते में जाती हैं और सारा तिधर उधर कर देती हैं सारे कूड़े को, और बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, पॉल्यूशन होता है। और भाई अगर सर्दी का टाइम है जी, सर्दी के टाइम में अपना गौ माताएं कम से कम उन्हें भोजन तो मिलेगा खाने को, और वैसे भी लोग क्या करते हैं कोने में डाल देते हैं, कहीं कहीं जगह कूड़ा जम जाता है, और कूड़ा जम जाता है वो मट्टी में हो जाता है, मट्टी में होने के बाद खा नहीं सकती वो, उनको उनके लिए भी आखिर में जानवर है, जानवर को भी एक डिजीज फैलने का डर होता है। तो मेरे मन में ये भाव आया, मैंने सब जगह मैंने ऐसी मैंने पहले लो मैंने लोगों के विचार जाने, लोगों ने कहा जैन साहब आप बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो, हम आपके साथ में हैं। तो उनके विचारों को सुनते हुए मैंने वो अपना गौ माता के बड़े बड़े वो गमले ले लिए गौ माता के लिए, और मैंने अपना कुछ 10-15 जगह मैंने रखवा दी हैं। और मैं इसलिए अभी मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे लोगों का विचार मिले, कुछ अच्छी मुझे कुछ अगर मिलता है उनके नेतृत्व मतलब कि अच्छा काम किया मैंने तो मैं उसको और बढ़ा दूंगा, पूरे वार्ड में मैं जगह जगह हर सोसाइटी में उसको रखवा दूंगा। हर्षद जैन जी, अगर आपको पार्टी की तरफ से मौका दिया जाता है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? बस यही कि रणनीति तो यही है जी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हमारे विधायक सत्येंद्र जैन जी हैं, और जो भी हम हमारे कमे कार्य सौंपेंगे, जो उनके आज्ञानुसार उनके मत अनुसार जो भी चीज़ हमें वो सौंपेंगे उसके अनुसार हम चलेंगे आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि हम ये ना सोचें कि हम इस पार्टी से हैं, हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, हम आपस में हमें बचपन में एक हमारा वो होता था स्लोगन हम एंथम बोलते थे, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। अगर हम भारतीय हैं तो हम एक हैं ना, हम अलग अलग कहाँ से हो गए कि हम बीजेपी के हैं और हम और हमारी पार्टी तो आम आदमी पार्टी है, आपकी पार्टी आप हैं जो आम जनता है ना उसको मिला करके आप पार्टी बनी है, मतलब अलग से कोई पार्टी है ही नहीं, हम तो सब मिलकर के पार्टी हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक पिता के 10 पुत्र हैं, मैं कहता हूँ 5 पुत्र अगर अच्छा काम कर रहे हैं और 5 पुत्र नहीं काम कर रहे तो पिता अगर आप अगर नहीं कर रहे तो मतलब हम अगर 5 पुत्र काम कर रहे हैं तो हम उसके साथ जुड़ जाएँ ना, हम दूसरे में क्यों जाएँ, हम दूसरे को क्यों पकड़ें। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि हम आप सब आम आदमी पार्टी हैं।
सर, इतने वर्षों से एमसीडी में बीजेपी का शासन रहा है, तो आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? एमसीडी में अपना एम्प्लॉयज़ों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, उनको टाइम पे सैलरी मिल जाए, गरीब आदमी को अपना पैसा सब टाइम पे मिल जाए, अपना घर चला ले, संतुष्ट हो जाए। एक अगर गरीब संतुष्ट है तो मेरे ख्याल से कि पार्टी डिपार्टमेंट भी खुश रहेगा, और जनता प्रसन्न है तो मेरे ख्याल से आगे भी भविष्य के अंदर में सब कुछ रहेगा। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी का जो सपना है भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, उसको मुक्त करके रहेंगे। और मैं तो बस यही कहूँगा कि दिल दिया है जहाँ भी देंगे या वतन तेरे लिए। सर, अगर हम आपसे कुछ शब्दों में हर्षद जैन जी के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहें तो उसके बारे में बताइए। मैम, व्यक्तित्व के बारे में अगर आप पूछना चाहेंगे तो पूर्ण धर्म में डूबा हुआ हूँ, परमात्मा में डूबा हुआ हूँ। और अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि फिर आप परमात्मा में अगर इतने लीन हैं तो राजनीति में आकर के करना क्या चाहते हैं? अब बात ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में आना मेरा उद्देश्य जन का कल्याण है, सिर्फ जन का कल्याण, सब जन का कल्याण। और इसके अलावा आप विश्वास नहीं करेंगे मेरे बात के ऊपर कि जब सीवियर लॉकडाउन आया था मार्च के अंदर में, जब पहला कदम रखा था कोरोना ने, कोरोना के लॉकडाउन के अंदर में लोग सोचते थे कि मेरा टाइम पास कैसे दिया, टाइम पास नहीं हो रहा, लोग टीवी देखते थे, टीवी में लगे रहते थे, या अच्छी अच्छी मिसेज खाना बनाती थी सबके लिए टेस्टी टेस्टी कि भाई टाइम पास हो जाए, बस टाइम पास हो जाए, दिन निकल जाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, सुबह ढाई घंटे, दिन में ढाई घंटे, रात को ढाई घंटे पूजा करता था, मुझे ये नहीं पता था कि दिन कब निकल गया। और परमात्मा की कृपा से इतना कृपा है कि फेस रीड भी करना जानता हूँ, आदमी को पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा बैठा है, मेरे सामने क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। बस यही व्यक्तित्व बना, तो बस इतना। और बस राजनीति इसलिए जन का कल्याण। सर, अब हम MMPB आवाज़ के दर्शकों के लिए आपसे एक संदेश जानना चाहेंगे। जनता के लिए संदेश बस यही है कि जी मैं बाकी मैं अगर देखो मैं तो अभी तो मेरे को उम्मीदवार की जान साहब से अनुमति अभी तक तो प्राप्त नहीं हुई है, ना उनका अभी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बस ये है कि मेरे मन में एक इच्छा थी गौ माता के कार्य के लिए, और दो चार कुछ सपने हैं वो मैं उनको निगम पार्षद बनने के बाद ही कर सकता हूँ, क्योंकि उसको पहले करना संभव नहीं है। एक कार्य मैंने करके दिखा दिया गौ माता का था, कार्य ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं जन के लिए कर, मतलब जन के ऐसे ऐसे कार्य हैं सर। मैं कह रहा हूँ जी जनता को ये कहना चाहूँगा, जैसे एक कुत्ता भी है ना, रात को सोता है ना, तो वो अपने लिए जगह देख लेता है कि मैंने आज यहाँ सोना है। व्यक्तित्व के पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपने परिवार के लिए सोच लेना, बस वही बहुत है। वो दूसरे के लिए तो क्या सोचेगा, बाद में सोचेगा। लेकिन हर्षद जैन ने जन आप सब जनता के लिए, अपने मेरे वार्ड के सदस्यों के लिए मैंने वो सोच रखा है कि आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि हमने हर्षद जैन को, जिसको अगर हमने चुना है तो सत्येंद्र जैन जी हमारे विधायक हैं, जो उनके आशीर्वाद से सही चुना है और सही पात्र को चुना, और ये बिल्कुल पात्र के योग्य हैं। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात, बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।